कोरोना महामारी को देखते हुए देश भर में हुए लॉकडाउन के बीच इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शुरू हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का अनुपालन 100% कराने के उद्देश्य से महाराजगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने भारत नेपाल सीमा के नौतनवा और सनौली क्षेत्र का दौरा कर इस्लाम धर्म से जुड़े हुए अलग अलग धर्मगुरुओं सहित नौतनवा चेयरमैन से मुलाकात की और उनके माध्यम से रमजान के दौरान लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। इसी के चलते नौतनवा कस्बे में भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र के क्वारंटीन सेंटर पर रखे गए नेपाली नागरिकों से मुलाकात की और उनकी सुख सुविधा की जानकारी ली। साथ ही क्वारंटीन सेंटर पर बनाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच भी की और सीमा क्षेत्र के अधिकारियों को क्वारंटीन किए गए लोगों की सुख सुविधा का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि रमजान के दौरान कोरोना वायरस की महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन स्तर से पूरे जिले में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही रोजेदारों को खाने पीने सहित किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए डोर टू डोर खाद्य सामग्रियों की सप्लाई सुनिश्चित कराई जा रही है। इसमें सबके साथ समन्वय बनाया गया और इन लोगों को से आग्रह किया गया है कि मस्जिदों में कोई भी भीड़ ना लगाएगा, सभी लोग अपने अपने घर से ही नमाज अदा करेंगे और इनकी सुविधा के लिए इनके मोहल्लों में सब्जी की, फल की, खजूर की तथा अन्य सभी सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए, और इनकी सुविधा का हर एक ख्याल रखा जाएगा। पानी से लेकर बिजली से लेकर सफाई की सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। महाराजगंज से जनमत न्यूज़ के लिए विजय चौरसिया की रिपोर्ट।